मैं हूं आपका होस्ट शाहरुख शाह और इस वक्त एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूं। स्नैप चेकिंग को जारी है और रूटीन की स्नैप चेकिंग पे सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो खवातीन अहलकार हैं वो भी स्नैप चेकिंग पे जो है वो मामूल नजर आ रही है। एक नई पॉलिसी आई है कि और खवातीन खुशखुशी उस पर जो है वो तैनात हो और स्नैप चेकिंग पे जो है वो मशहूर अमल हो। इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ कि खवातीन स्नैप चेकिंग पे पहली मरतबा जो है वो यहाँ पे तैनात है और स्नैप चेकिंग में मसरूफ है। जो लोग आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्नैप चेकिंग इस वक्त जारी है और गाड़ियों को रोका जा रहा है, मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा है। उसी के साथ साथ जो खवातीन की आड़ में जो लोग जराइम करते हैं उनकी रोकथाम के लिए इन खवातीन अहलकार को तैनात किया गया है ताकि वो उनको रोके, उनकी जामा तलाशी ले और अगर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो उनको जो है वो गिरफ्तार भी करें। इस वक्त हमारे साथ खवातीन से पहले हम बात करते हैं कि अच्छी बात है कि हम यहाँ पे खड़े हैं कि अगर जेंट्स इनको रोके तो उनको ज्यादा बुरा लगता है, हमारा भी बुरा लगता है, लेकिन जेंट्स रोके तो उनको ज्यादा बुरा लगता है। हम रुकेंगे तो हम उनकी अगर तलाशी लेंगे, जामा तलाशी लेंगे तो इस तरह से हमें अगर कहीं पर भी हमें जराइम पेशा अपराध करेंगे तो हम उनकी रोकथाम भी कर सकते हैं, उनको पकड़ भी सकते हैं। बाकी हमारे इसमें काफी हद दर्जा जो है वो हमारी कमी आ सकती है अगर हम इनकी रोकथाम करें। तो हम पहले इनकी बैग चेक करते हैं, जैसे जहां पर आ रही है जिस व्हीकल में आ रही है हम वो व्हीकल चेक करते हैं, फिर इनके बैग चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगर हमें ज्यादा शक होता है या उनकी नजर वगैरह हमें ज्यादा उस तरह का कोई हमें नजर आए तो फिर हम उनकी जामा तलाशी करते हैं। और ये आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो लेडीज ही ज्यादा इस चीज में मुलविस होती है, क्योंकि ये देखा जाए तो ज्यादातर जो चीज पहुंचाई जाती है बच्चों तक, दूसरों तक, बच्चों को इन्हीं लेडीज के थ्रू पहुंचाई जाती है। जैसे खड़े होते हैं खवातीन अहलकार यहाँ पे तैनात है, उन सब का जो है वो एक ही मोटिव है कि जराइम का खात्मा किया जा सके, क्योंकि खवातीन की आड़ में अब एक नया ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि पहले जो है वो बाइक पे सवार खवातीन जो मर्द है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते थे, अब ऐसे भी जो है वो रिपोर्टेड हुए हैं केसेज जिसमें खवातीन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। गाड़ी में जो है वो मंजियात का स्मगल करने का तरीकेकार हो, चालिया स्मगल करने का तरीकेकार हो, तो खवातीन को जो है वो ढाल बनाया जाता है और खवातीन की आड़ में ये जराइम किए जाते हैं। मगर अब जितने भी जराइम करने वाले लोग हैं वो खबरदार हो जाए, क्योंकि खवातीन अहलकार अब तैनात होंगी और स्नैप चेकिंग पे मामूर होंगी। वो खवातीन स्नैप चेकिंग पे मामूर होने के साथ साथ उनकी जामा तलाशी लेंगी। चीजें जो है वो कानून से हटकर तो नहीं है, इलीगल तौर पे तो लेके नहीं जाया जा रहा या कोई जराइम पेशा अपराध से ताल्लुक तो नहीं है, तो उनको खबरदार किया जाता है कि अब खवातीन की आड़ में भी जराइम करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो खवातीन अहलकार हैं और खवातीन के साथ जो खवातीन बदतमीजी करती हैं तो उनको जो है वो ये मैसेज दिया जाए कि जो भी फैमिली के हमरा जा रहे हैं तो वो अपनी, क्योंकि वो अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं है तो जो पुलिस अहलकार हैं उनके साथ ताबुन करें, क्योंकि ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए खड़ी हुई है। अगर कोई क्रिमिनल आपकी आड़ में जो है वो दूसरे निकल जाता है तो इसके जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं। अपने मेजबान शाहरुख शाह को दीजिए इजाजत किसी नए मुकाम पे, किसी नई जगह पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।